अगर आप भी फ्लिपकार्ट से मतलब एक्सपेंसिव चीज़ बाई करने से बचते हैं तो अब आपको बचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप फ्लिपकार्ट से निश्चिंत होकर कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ बाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने बहुत ही एक तगड़ा स्टेप लिया है जो कि अभी तक तो कोई मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं ये स्टेप लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेजोन से ज़्यादा सेफ़ हो गया है फ्लिपकार्ट। मैंने भी इस प्रोडक्ट को बाई किया। अब मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि लोग स्मार्टफोन बाई करते हैं, उसमें क्या हो जाता है, कभी टिकिया निकल जाता है, कभी कुछ निकल जाता है। लेकिन अब फ्लिपकार्ट ने ऐसा स्टेप मतलब लिया है जिससे मतलब क्या बोला जाए कि अब कस्टमर सेफ़ हो जाएगा, कोई भी फ्लिपकार्ट से मतलब एक्सपेंसिव चीज़ बाई करने में नहीं डरेगा। तो क्या है पूरा मामला आज की इस वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा, आपको भी पूरी नॉलेज हो जाएगी और आप भी फ्लिपकार्ट से भी एक्सपेंसिव चीज़ बाई कर सकते हैं। क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि अमेजोन से ज़्यादा बेहतर अब फ्लिपकार्ट हो गया सेफ्टी के मामले में, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि मैंने आज कितना तारीख हो गया, मैंने 7 अप्रैल को रात को 11 बजे इस स्मार्टफोन को ऑर्डर किया था, और ऑर्डर करते समय और मुझे ये डिलीवर केवल 9 से 10 घंटे में डिलीवर हो गया है। तो मैंने इस स्मार्टफोन को ऑर्डर किया, और जब मैं इस स्मार्टफोन को ऑर्डर किया तो वहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन मतलब नज़र आया जो कि माय ऑर्डर सेक्शन में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कि ओपन बॉक्स डिलीवरी फॉर दिस आइटम, यानी जब इस प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा आपको पैसा देने से पहले, अगर प्रीपेड है तो आपको OTP शेयर करने से पहले, यानी जब डिलीवरी बॉय डिलीवर करने से पहले आपके सामने प्रोडक्ट ओपन करेगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं मतलब उस वीडियो जो मैंने वीडियो शूट किया था कि मुझे डिलीवरी बॉय ने मतलब उस सामने खोल के दिखाया, उसको इस वीडियो का लास्ट क्लिप में मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। लेकिन ये एक समझ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट सेफ्टी के नज़रिए से कि कस्टमर को ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये स्टेप लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन बॉक्स डिलीवरी फॉर दिस आइटम, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी विल ओपन द पैकेज एट योर डोर स्टॉप, चेक फॉर डैमेज या रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी एंड OTP विल बी शेयर्ड व्हेन द ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी, मतलब आपको OTP तब शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे तो आउट ऑफ फॉर डिलीवरी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने OTP तब शेयर किया जब मैंने इस प्रोडक्ट को जब डिलीवरी बॉय ने फाड़ दिया, बॉक्स से ओपन कर लिया। पहले क्या होता था कि डिलीवरी बॉय नहीं फाड़ता था, प्रोडक्ट खोल को नहीं दिखाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिलीवरी बॉय फाड़ के आपको फ़ोन दिखाएगा कि आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट मतलब कोई डैमेज नहीं ना है, कहीं कुछ डेंट वगैरह नहीं ना है, आपको वहाँ पे डिलीवरी बॉय खोल के दिखाएगा। उसके बाद आपको OTP शेयर करना है, तब आपको डिलीवर दिखाया जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट को कोई सा भी डैमेज हो जाता है तो वहाँ से आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकते हैं और आपको फुल रिफ़ंड उसी समय इनिशिएट हो जाएगा। तो ये एक फ्लिपकार्ट की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। हम पूरा चीज़ यहाँ पे अगर हम वाई पे क्लिक करते हैं तो वाई पे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में फ्लिपकार्ट ने बताया है कि द ओपन बॉक्स डिलीवरी इज ए सर्विस ऑफर्ड बाय द डिलीवरी पार्टनर ऑफ फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, वेयर इन द प्रोडक्ट पैकिंग प्राइमरी एलवेज फिजिकली इन फ्रंट ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, दिस फैसिली इनेबल्स द कस्टमर्स टू वेरीफाई या इंस्पेक्ट, मतलब ये चीज़ इसलिए किया गया है कि अगर डैमेज निकल जाता है तो ये कस्टमर एक बार अपने तरफ से वेरीफाई कर ले। इनकी सब प्रोडक्ट मिसिंग या रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव या डैमेज या नेसेसरी मिसिंग द कस्टमर कैन रिजेक्ट द प्रोडक्ट एट द डोर स्टेप एंड ए रिफंड विल बी इनिशिएटेड। तो आप समझ सकते हैं, मुझे तो अब पहले तो अमेजोन अच्छा लगता था, लेकिन जो ये फ्लिपकार्ट ने ये स्टेप लिया है सेफ्टी के नज़रिए से कस्टमर के लिए, कस्टमर के हित में, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप समझ सकते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि कैश ऑन डिलीवरी भी है, तो कैश ऑन डिलीवरी तो मैंने नहीं किया, मैंने इसे प्रीपेड किया था, बट आपको पहले कैश ऑन डिलीवरी भी होगा। तो जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस कहता है कि आपको पहले कैश नहीं देना है, पहले आप बोलिए कि आप मुझे फाड़ के दिखाइए। मेरे में तो ये आया, मैं आपको शो कर दिया। तो ये एक फ्लिपकार्ट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा। आप क्या सोचते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में कमेंट में बताइएगा, और जो मैंने क्लिप रिकॉर्डिंग किया था वो आप इस वीडियो को लास्ट में देख लीजिए। अब सब प्रोडक्ट का बॉक्स ओपन हो रहा है।
मान लीजिए कुछ उल्टा निकला तो वो यहीं से चला जाएगा, पहले ऐसा नहीं था। चलिए हम भी मोबाइल का 4 नंबर लास्ट वाला बोलिए। 4 5 8 5 चार पाँच 8 5 सील है ना मोबाइल का। देख लीजिए फोन में कहीं गड़बड़ी, जो फोन ऑर्डर किया वो है ना। ऐसे पापा फोन कर रहे हैं, करो तो तुम। किस पे कर रहे हो तुम पे? हाँ बोल दो ना। फिजिकल डैमेज नहीं है, मिसिंग नहीं ना है? ना ना, चार्जर वगैरह सब डैमेज वैमेज नहीं है ना? डैमेज नहीं। रुक जाए एक बार खोल लेना। दीजिए देख लीजिए, थोड़ा पकड़िए, यूट्यूब के लिए मेरा काम करेगा। फिजिकल डैमेज नहीं है ठीक है ना? ओटीपी मैसेज गया।